ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. अभी मैंने देखो मैं कोई एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, आई एम नॉट एजुकेशनिस्ट. Even non-Muslim के साथ भी आपको ताल्लुकात रखना है. Even सर जानवरों के साथ भी ताल्लुकात रखना है. बिल्ली है तो बिल्ली के साथ, कुत्ता अगर है तो उसके भी हुकूक हैं, जानवरों के हुकूक हैं. Non-Muslim के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मदीना में जाकर यहूदियों के साथ जीना सिखाया हमको, उनके साथ एग्रीमेंट किया. क्यों? इंडिया में तो बहुत जरूरी है, हम लोग माइनॉरिटी में है. हमारी गाड़ी एक निकलती है तो 50 गाड़ी गैर मुस्लिम के होते हैं, दो गाड़ी में एक गाड़ी मुस्लिम की होती है. और तुम गैर मुस्लिम को देख के मुस्कुराने के लिए तुम्हारे होंठ थोड़े खुलाना, थोड़ा ये जो 10 केजी के होंठ मत बनाओ इसको, ओके 10 ग्राम के होंठ है, थोड़ा स्माइल करो नॉन मुस्लिम को देख के. ओके, पार्किंग में जा रहे हो, तुम जा सकते हो, प्लीज गो. वो बड़ा बड़ा स्पीच सुनाने से एक तुम्हारा एक इशारा है ना, जा बोलना. टोपी डाल के दाढ़ी डाल रख के आ गए ऐसा बोले तो भी एक बेंचमार्क स्टेप है ये. सिर्फ तुम्हारा पार्किंग में उसको फर्स्ट भेजना, गॉट इट सर? ऐसा नहीं हो रहा सिर्फ मुसलमान और मुसलमान से बात, गैर मुसलमान काफिर है. नो, ये नहीं है, ऐसा नहीं है. आप माशाल्लाह ईमान पर है, आप तौहीद पर है, आप एक दावा फिर कैसे देंगे उसको? इंटरेक्शन विद ऑल. ओके, इसमें जो नेबर्स हैं नॉन मुस्लिम नेबर्स हैं या है तो भी उसमें आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. तो एजुकेशनल प्रिपरेशन, मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूं, मैं क्लियर बोल देता हूं. मैं एजुकेशनल करियर पे बात नहीं करूंगा यहां पर, मेरा वो भी कंटेंट नहीं है. मैं एक बात बोल रहा हूं एजुकेशन के ऊपर. एजुकेशन लेना है सबको मालूम है, आप लोग सब एजुकेटेड हैं चेन्नई में इधर माशाल्लाह. लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, डोंट एसोसिएट मैरिज विद द डिग्री. डिग्री दे के अच्छी लड़की खरीदो मत, दूसरे अल्फाज में बोलूंगा तो. मेरा बेटा इंजीनियर तो अच्छी लड़की देना चाहिए तुम ना, इंजीनियर बोलो ही मत ना तुम. मेरा लड़का अच्छा है भाई, मेरा लड़का मेहनती है, कमाएगा पालेगा, हाँ इंजीनियरिंग पढ़ा है, ठीक है, प्लस पॉइंट है. पढ़ाई को शादी के साथ मत जोड़ो, फिर क्या होगा, शादी के बाद वो भी तुमको इंजीनियरिंग के जैसा ट्रीट करेगी, शौहर के जैसा ट्रीट नहीं करेगी तुमको, क्योंकि तुमने क्राइटेरिया बताया था ही क्या, इंजीनियर. ओके, शादी के एजुकेशन तुम्हारे करियर को शेप करती है, एजुकेशन तुम्हारी डेजिग्नेशन को सेट करती है, तुम्हारी एक अटायर को बताती है, तुम्हारी एक पहचान है कि भाई बच्चा ये माशाल्लाह पढ़ा लिखा बच्चा है, लड़का है. ओके, शादी में ये क्राइटेरिया मत बनाओ कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो मुझे लड़की ऐसी चाहिए. लड़की मिल भी जाएगी लेकिन अच्छी बीवी मिलना मुश्किल है. माओ को बोलो अम्मी लड़का क्या कर रहा है, बेटा पहले इंजीनियर मत बोलो, तुम्हें लास्ट में बोलो, पूछे तो बोलो हाँ लड़का हमारा पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग किया है, मास्टर किया है, फला किया है, ऐसे बोल दे रहा हूं. देखो यहां पर एक बात बोला हुआ है, इवन आफ्टर बिकमिंग द रिच एंड एडुकेटेड इफ वन डज नॉट गेट प्रॉस्पेरिटी इन द हाउस फ्रॉम हिज वाइफ देन होल लाइफ इज डार्क. तुम डिग्रियां लिए बेटा, तुम पढ़े लिखे, अच्छा कमाना शुरू कर दिए, लेकिन घर में तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे से खुश नहीं है, वो डिग्री को के पेपर्स को क्या करोगी तुम, कुछ फायदा होगा? कमाया हुआ पैसा कुछ काम आएगा, बड़ी बड़ी कारें तुमको रिलैक्स दे पाएंगी? क्यों? असल जो एसेंस ऑफ हैप्पीनेस है ना, हा? जो रिश्ता जोड़ी मरद का रिश्ता आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो लाइफ इज डार्क. ओके, प्लीज एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट एजुकेशन शादी के लिए टूल मत बनाओ.